फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के ऑक्शन में अंडर 19 के प्लेयर्स की काफ़ी अधिक बोली लगी थी। काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस में इन प्लेयर्स को खरीदा गया था और इनमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका अंडर 19 वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। ना सिर्फ अंडर 19 वर्ल्ड कप में बल्कि उससे पहले लगातार पिछले 8-10 महीने, लगभग एक साल से डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अपनी टीमों के लिए कर रहे हैं। इस कारण इस आईपीएल ऑक्शन में काफ़ी सारी टीमों ने करोड़ों की बोली लगाकर अपनी टीम में इंक्लूड किया था और अब अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद इनमें से तीन प्लेयर्स का प्लेइंग 11 में आना लगभग कंफर्म्ड हो चुका है। इनमें से तीन प्लेयर्स अपनी टीमों की शुरुआती मैचेस से ही प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या फिर इनमें से तीन प्लेयर्स को इस सीजन आईपीएल टीमों में मौका मिलेगा और अगर ये आईपीएल में अच्छा करेंगे तो जल्द अब इन्हें टीम इंडिया में भी जगह मिल सकती है। मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं तीन प्लेयर्स के नाम बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी टीमों की तरफ से इस सीजन इनको मौका मिलने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको सारी और सारे अपडेट्स दूंगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, आप इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक क्रिकेट के बड़े फैन तो नीचे कई लाइक का बटन दिया होगा उसको जरूर दबा दे और हमारे चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, इन तीन प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। दरअसल यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 2.4 करोड़ के काफी बड़े अमाउंट में इस आईपीएल ऑक्शन में खरीदा था और रिपोर्ट तो ऐसी है कि मुंबई इंडियंस की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को सजेशन दिया था कि ये टीम जायसवाल को खरीदे क्योंकि एमआई की टीम के पास 4 से 5 ओपनर्स थे। अगर एमआई की टीम जायसवाल को खरीद लेती तो एमआई की टीम में इन्हें मौके नहीं मिलते, पूरे सीजन इन्हें बेंच पे बैठना पड़ता। इस वजह से एमआई की टीम चाहती थी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम इन्हें खरीदे और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने काफी अधिक पैसे इस ओपनर पे खर्च किए थे और अब एक बात कंफर्म्ड हो चुकी है, जिस तरह का प्रदर्शन इनका अंडर 19 वर्ल्ड कप में इसके अलावा डोमेस्टिक सर्किट में रहा है, ये इस सीजन में जोस बटलर के साथ इस टीम के लिए शुरुआती मैचेस से ही ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। यहां तक कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ऐसे साइन भी आ चुके हैं कि ये पहले मैच से ही ओपनिंग करेंगे, प्लेइंग 11 में डायरेक्टली मौके मिलेंगे। तो जायसवाल को इस आईपीएल सीजन में मौका मिलना लगभग तय हो चुका है। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है रवि बिश्नोई का। दरअसल रवि बिश्नोई को पंजाब की टीम ने 2 करोड़ में खरीदा था और अनिल कुंबले ने बताया है कि ये टीम इनको 5 करोड़ भी देने को तैयार थी। कुछ इस प्रकार की ये प्लेयर है, कुछ इतना बड़ा इनमें टैलेंट है तो पंजाब की टीम तो काफी हद तक इनके पीछे थी और अश्विन के जाने के बाद इस टीम को नीड भी थी एक अच्छे खासे स्पिनर की, तो रवि बिश्नोई इस टीम के लिए वो गेंदबाज था और रवि बिश्नोई ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के 5 मैचेस में 16 विकेट लिए। लगातार इन्होंने गेंद के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और पंजाब की टीम मोहाली में जहां मैचेस खेलती है वह वैसे स्पिन फ्रेंडली पिचेस मिलेंगे, तो इस गेंदबाज को काफी अधिक बेनिफिट इस बार पंजाब की टीम में होगा। इसके साथ ही पंजाब की टीम में कोई भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है तो रवि बिश्नोई को शुरुआती मैचेस से ही प्लेइंग 11 में मौके मिलेंगे और रवि बिश्नोई अगर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होते हैं, पंजाब के लिए अच्छा सीजन करते हैं तो इनके लिए भी टीम इंडिया में जगह बन सकती है। रवि बिश्नोई के लिए काफी बड़ा आईपीएल सीजन होगा, इसके साथ ही इन्हें भी डायरेक्टली प्लेइंग 11 में इजीली मौके मिल जाएंगे। वहीं इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे और आखिरी नंबर पर नाम आता है कार्तिक त्यागी का। दरअसल कार्तिक त्यागी को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 1.3 करोड़ के अमाउंट में इस आईपीएल ऑक्शन में खरीदा था और धवल कुलकर्णी ट्रेड होकर एमआई की टीम में चले गए थे। इसके बाद इस टीम को नीड थी एक अच्छे खासे इंडियन तेज गेंदबाज की जिसमें ये टीम इन्वेस्ट कर सके, लॉन्ग टर्म उस गेंदबाज को देख सके और हमने देखा राजस्थान रॉयल्स की टीम शुरू से ही यंग इंडियन प्लेयर्स में काफी हद तक इंटरेस्टेड होती है, इस वजह से इस टीम ने कार्तिक त्यागी को खरीदा था। हालांकि ये कंफर्म्ड नहीं है कि शुरुआती मैचेस में इनको मौके मिलेंगे लेकिन सीजन के मिडिल में या फिर एट द एंड इनको मौके मिल सकते हैं, काफी हाईली चांसेस है। ये बात तो पूरी तरह से कंफर्म्ड है कि कार्तिक त्यागी भी इस सीजन आईपीएल में डेब्यू करेंगे, इन्हें प्लेइंग 11 में मौके मिलेंगे। तो करंटली ये तीन प्लेयर्स हैं जिन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप के प्रदर्शन के बलबूते पे इस आईपीएल सीजन में डेब्यू करने का और प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलेगा। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इन तीनों में से कौन सा प्लेयर इस आईपीएल सीजन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। वहीं इसके साथ वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।